वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स हाव आई यू कैसे हैं आप सब एंड आई हव ऑल ऑफ यू आर गुड सब अपने घर पर होंगे और अच्छा होंगे है ना तो देखिए स्टूडेंट्स लास्ट वाली क्लास का मैं एक बार पहले आपको बता दूँ हमारा एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू कम्प्लीट हुआ था जिसके अंदर हमने मोड मीडियम वगैरह ये ये मोड मीन एंड मीडियम इसके बारे में डिस्कस किया था उसके आगे हमें थ्री पॉइंट थ्री स्टार्ट करना था लेकिन थ्री पॉइंट थ्री मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर ग्राफ आ गया ठीक है ना और ग्राफ अभी ना तो किसी काफ़ी बच्चों के पास ग्राफ की नोटबुक होगी भी नहीं ठीक है तो ग्राफ को अभी एक बार छोड़ रहे हैं हम ग्राफ का जो हमारे जब स्कूल वगैरह लगेगी सेटिंग से उस टाइम आप जब भी आज सारे बच्चों के पास में ग्राफ की नोटबुक होगी तो ग्राफ हम स्टार्ट कर लेंगे ठीक है ना और ग्राफ का वर्क उस टाइम करेंगे ठीक है तो उसके बाद में वो अपना सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा वो चैप्टर अपना कम्प्लीट हो जाएगा तो हमें नया जो चैप्टर स्टार्ट करना है एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर थर्टीन एंड द चैप्टर नेम इज़ एक्सपोनेंट इन पावर्स क्या नाम है इसका एक्सपोनेंट एंड पावर्स तो देखिए एक्सपोनेंट और पावर्स जो है चैप्टर इसके बारे में हमें डिस्कस करना है और वैसे क्लास सिक्स के अंदर आपने काफ़ी इसको डिटेल से पढ़ा भी है ठीक है फिर भी ये वापस आ रहा है और थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा पहले से तो देखिए मैं आपको बता दूँ एक बार कि आपको चैप्टर का नेम तो दिख गया एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर नंबर थर्टीन है यह आपको हेडिंग लगानी है अपनी नोटबुक के अंदर ठीक है अब देखो इसका तो वर्क कैसे करना है ये भी देख लीजिए देखिए मैं पहले आपको एक बहुत जनरली थोड़ा सा बता दूँ इसके अंदर कि होता क्या है पावर वगैरह ये कैसे क्या यूज़ आते हैं इसके अंदर जस्ट ए सेकेंड हाँ यहाँ से देखिए देखो तो पावर वगैरह ना ये वैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा जैसे टेन के पावर फोर टू के पावर थ्री ठीक है इसको बोलते कैसे हैं ये क्या लिखा हुआ है ये सारा मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है देखिए जैसे ये लिखा हुआ है टेन के पावर फोर है ना अगर टेन के पावर फोर लिखा हुआ है जो ऊपर जो लिखा होता है ना छोटा सा इसको थोड़ा सा छोटा लिखता है थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ठीक है, थो है ना ऐसे नहीं लिखना है इसको ये रॉन्ग होगा इसको थोड़ा सा इसे ऊपर दिखाना आपको ना ये ऐसे इसको ऐसे शो करना है अब यहाँ से देखो जैसे हमने ऊपर फोर लिखा है तो ऊपर लिखा होता है ना इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या तो बोलते हैं एक्सपोनेंट या क्या बोलते हैं इसको पावर या तो ये आप इसको पावर बोलिए या आप इसको बोलिए एक्सपोनेंट दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे आप बोल सकते हो आपके बुक के अंदर एक्सपोनेंट वर्ड ज़्यादा यूज में आ रहा है तो आप इसको एक्सपोनेंट ही बोलिए अभी ठीक है तो एक्सपोनेंट एंड पावर हो गया नीचे जो तो लिखा हुआ है ना इसका इसको बोलते हैं बेस क्या बोलते हैं इसको बेस तो देखो मैंने बेस भी लिखा हुआ है यहाँ पर इसको बोलते हैं बेस इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर ओके अब देखो इसको बोलते कैसे हैं क्या सर मुझे अगर इसको बोलना तो मुझे इसको टेन के पावर फोर ही बोलना पड़ेगा क्या तो देखो एग्जैक्ट इंग्लिश मीडियम का हम इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं टेन रेज्ड टू द पावर ऑफ़ फोर क्या बोलते हैं इसको टेन रेज्ड टू द पावर ऑफ़ फोर या तो आप इसको ऐसे बोल दीजिए या फिर इसको इजी फॉर्म के बोल रहे हैं ना तो देखो जो पावर फोर है ना तो इसको बोलते हैं फोर्थ पावर ऑफ टेन फोर्थ पावर ऑफ टेन ये लिखा हुआ है इसके पावर थ्री तो थर्ड पावर ऑफ टेन और पावर थ्री को हम क्यूब भी बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ना अगर जैसे लिखा ना टू की पावर थ्री तो हम बोलते हैं इसको टू क्यूब क्या बोलते हैं टू क्यूब पावर थ्री को क्यूब भी हम बोलते हैं ठीक है और ऐसे बोलना तो ये भी सही है अपने जैसे अगर एट के पावर टू लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे एट रेज टू द पावर ऑफ टू ठीक है ना ये देखिए इस पास में लिखा हुआ है सेंटेंस ये सेम टू सेम आपको सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखना है चैप्टर के नेम के बाद में आपको ये वाला पोर्सन लिखना है सबसे पहले ठीक है ताकि पता रहे आपको आप क्या पढ़ रहे हो इसको बोलते कैसे हैं बेस कौन सा होता है एक्सपोनेंट कौन सा होता है पावर क्या होता है ओके तो देखो ये तो हो गया कंप्लीट अब आप चलिए इसके क्वेश्चन के पास में देखिए इसके अंदर क्वेश्चन जैसे आपके इसके अंदर लिखा हुआ है दस्टा सेकेंड देखिए क्वेश्चन इसके अंदर यहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको दस्टा सेकंड यहां से देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूँ जब भी टॉपिक तो होगी मैं आपको आपके वीडियो के साथ मैं अपलोड कर दूंगा अपने ग्रुप के अंदर लेकिन अभी आप क्वेश्चन को एक बार समझिए यहाँ पर क्वेश्चन जो तो लिखा हुआ है ना ए एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन है ठीक है इसका क्वेश्चन नंबर ए क्या लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है ना ये क्वेश्चन है सेम टू सेम अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड कीजिए अगर आपको कभी भी वैल्यू फाइंड करने का बोलते हो वैल्यू फाइंड करना सिंप्लीफाई ठीक है ना ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है ना तो आपको सीधा क्या करना है जो भी उसके अंदर दे रखा है एडिशन सब्डेक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड आपको उसको सोल्व करना है ठीक है अगर वैल्यू फाइंड करने का बोल रहा है सिंप्लीफाई का बोल रहा है तो आपको क्या करना है उसको ओनली सोल्व करना है ठीक है ना सोल्व करने से जो लास्ट आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है और वैल्यू वगैरह फाइंड करने के टाइम आपको ऐसा ही करना है अब देखिए इस पर क्वेश्चन तो आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ़ ये आपको बुक में से मिल जाएगा मैं पिक सेंड कर दूंगा अब वैल्यू फाइंड करने के इसकी जैसे टू की पावर सिक्स लिखा हुआ है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है और पावर का देखो पावर का कंसेप्ट यह है जैसे यहाँ टू की पावर सिक्स लिखा हुआ है ना तो आपको क्या करना है टू को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करना है टू को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करना है कैसे वन टू थ्री फोर फाइव या सिक्स जिस नंबर की जितनी पावर लिखी हुई होती है हम उस नंबर को उत, उ, हम उस नंबर को उतना टाइम में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है थीके? जैसे देखो ये नीचे वाले में क्या है नाइन के पावर थ्री तो मैंने नाइन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई में लिखा है ठीक है ना वन टू एंड थ्री ठीक है ये पावर का कंसेप्ट है जिस नंबर की जो पावर होती है आप उस नंबर को मल्टीप्लाई में टू टाइम है तो टू टाइम लिखिए फोर टाइम है तो फोर टाइम लिखिए इसमें जैसे सिक्स टाइम है तो मैंने क्या किया टू को सिक्स टाइम लिखा मल्टीप्लाई के अंदर ओके अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कैसे करना है टू मल्टी टू फोर फोर मल्टी टू एट एट मल्टी टू सिक्सटीन सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू थर्टी टू थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई टू सिक्सटी फोर क्या सर हमसे तो इतना बड़ा होगा ही नहीं आप इसको रफ के अंदर कर लीजिए आराम से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ठीक है ना मैंने भी पहले इसको सोल्व किया उसके बाद में आपके सामने लिखा है ठीक है तो ये तो नीट एंड क्लीन वर्क देने के लिए मैं कंप्लीट आपके सामने आंसर बता रहा हूँ मल्टीप्लाई कोई बड़ी चीज़ नहीं आप सल्व कर सकते हैं ओके तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा आंसर क्या आएगा इसका सिक्सटी फोर ओके इसका देखिए नंबर सेकेंड नंबर सेकेंड लिखा है नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री में क्या करना है इसका सॉरी नाइन की पावर थ्री तो नाइनटी पावर थ्री में क्या करना है नाइन को लेकर ना है थ्री टाइम मल्टीप्लाई के अंदर नाइन मल्टी नाइन मल्टी नाइन तो क्या हो जाएगा? 729, 9 9 क्या 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 सेवन ट्वेंटी नाइन नाइन को नाइन से मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा एटी वन और एटी वन को नाइन से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन ठीक है तो देखो पावर को ऐसे सोल्व करते हैं हम जितनी उसकी पावर लिखी है आप उस नंबर को उस उतने ही टाइम क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा ओके okay, अब देखो इसका फर्स्ट और सेकेंड मैंने करवा दिया इसका थर्ड और फोर्थ वो करना है आपको ठीक है थर्ड और फोर्थ आपको करना है इसका थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चन में क्या है वैसे ही होगा सेम टू तो सेम ही जो इसकी पावर है वो भी किसी नंबर की पावर मिलेगी आपको उस पावर के साथ में उसको सोल्व करना है ठीक है ना काफ़ी ईजी है नहीं होगा तो मुझे बोलते हैं मैं वापस बता दूंगा वैसे और काफ़ी ईजी भी है वैसे ठीक है अब देखो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ करना बाकी इसका फाइव और सिक्स है वो आपको करने नहीं है ठीक है ना टू मैंने करवा दिए ये टू आप कर लीजिएगा बाकी ये दोनों सेम सिमिलर ही है इसलिए आपको नहीं करना है ओके okay. अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो बी क्वेश्चन है उसको देखिए पहले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है पहले वो आपको मैं बता दूँ इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ठीक है ना स्पलिंग वाला थोड़ा सा मिस्टेक है मैं आपको पिक वगैरह सेंड कर दूंगा उसमें से देख लीजिए आप आराम से ठीक है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो देखो एक्सपोनेंशियल का एग्जैक्ट स्पेलिंग ये होगा आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म ठीक है ये आ गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है देखो एक्सपोनेंशियल जो वर्ड ना वो एक्सपोनेंट से बना है ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए आप ये जो सिक्सटी फोर दिख रहा है आपको ये सिक्सटी फोर किससे बना है टू की पावर सिक्स से बना है ये जो तो 64 टू तो के पावर सिक्स से बना हुआ है ना अगर मैं इसको पावर के साथ में लिखूँगा मैं इसको एक्सपोनेंट के साथ में लिखूँगा पावर के साथ में अगर कोई लिखा हुआ तो वो उसका हमेशा एक्सपोनटल फॉर्म ही होता है वापस सुनिए एक बार कोई भी नंबर अगर पावर में लिखा हुआ है तो वो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होगा ठीक है जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए इसका काफ़ी इजी क्वेश्चन है बी का जो फर्स्ट लिखा हुआ है सिक्स 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 और सिक्स सिक्स को मैंने फोर टाइम मल्टीप्लाई में लिखा है अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसको पावर के साथ लिखो पावर के साथ लिखना क्या होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है तो सिक्स टू फोर टाइम मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है मैं इसको सिक्स की पावर फोर लिख सकता हूँ है ना तो देखो मैंने इसको क्या कर दिया सिक्स की पावर फोर लिख दिया तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया है ना तो है ना बहुत जी नंबर इसका सेकंड देखिए सेकंड आपको करना है इसका ठीक है ना काफ़ी इजी है मैंने करवा रहा हूँ नंबर जो फोर्थ है फोर्थ को देखिए आप फाइव मल्टी फाइव सेवन 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 टू टाइम तो फाइव आ गया सेवन कितने टाइम आ गया थ्री टाइम आ गया अब इसके अंदर देखिए आप फाइव जो टू टाइम है फाइव और फाइव टू टाइम लिखा तो मैंने इसकी पावर क्या कर दी टू कर दी टू क्यों किया मैंने क्योंकि फाइव फाइव कितने बार मल्टीप्लाई में आ रहा है फाइव टू टाइम मल्टीप्लाई में आ रहा है ओके सेवन देखिए कितनी बार आ रहा है वन टू थ्री तो मैंने सेवन की पावर क्या कर दी थ्री कर दी बहुत ईजी कंसेप्ट है जो नंबर मल्टीप्लाई में जितने बार रिपीट हुआ है वो इसकी पावर बना दीजिए वो क्या हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा वो इसकी पावर का फॉर्म हो जाएगा ठीक है नंबर इसका सिक्स देखिए लास्ट ए मल्टी ए मल्टी ए सी सी और सी इधर क्या आ रहा है एक और सी आ रहा है वापस क्या आ रहा है डी आ रहा है अब इसको देखना ए कितने टाइम हो रहा है ए इज़ रिपीटेड थ्री टाइम ए थ्री टाइम रिपीट हुआ है तो ए इसका क्या आंसर आ जाएगा ए के पावर थ्री है ना सी फोर टाइम रिपीटेड सी जो है वो कितने बार रिपीट हुआ है फोर टाइम देन इसका क्या हो जाएगा सी के पावर फोर और जो डी लिखा हुआ है वो वन टाइम आया हुआ है तो इसका क्या रहेगा डी का ओनली डी रहेगा कैसे पास में वन क्यों नहीं लिखा आप पास में वन भी लिख सकते हो वन पावर को शो करना कभी भी जरूरी नहीं होता है पावर अगर वन से ज़्यादा है तो आपको लिखना पड़ेगा अगर वन है तो लिखना कोई भी जरूरी नहीं है ठीक है तो एक बार देखिए मैं आपको वापस समझा दूँ किसी बच्चे को अगर समझने में दिक्कत आई तो इसमें क्या किया हमने इसके अंदर तो पावर लिखा हुआ था हमने इसको सोल्व किया ठीक है ना इस बी वाले क्वेश्चन में उल्टा किया है आपके पास ये ऐसे नंबर लिखा हुआ था मल्टीप्लाई में, में आपने वापस क्या बना दी पावर बना दी पावर अगर पावर कब बनाओगे अगर क्वेश्चन बोलता है कि आप उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करने के लिए बोलता है तब आपको उसको पावर में लिखना है क्योंकि पावर क्या होती है एक्सपोनेंट तो होता है है ना पावर को हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो देखिए वह कैसे करना है सबसे पहले क्वेश्चन का जो अपने चैप्टर है उसका नेम लिखना है आपको एक्सपोन पावर्स चैप्टर नंबर थर्टीन एंड उसके बाद में जो भी ये थोड़ा सा इसका बेसिक है यह करना है आपको पावर किसको कहते हैं बेस किसको कहते हैं इसको बोलते कैसे हैं ठीक है ना तो और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी इसमें कौन सा करना है देखो इसमें मैंने आपके ना सेकेंड थर्ड और सिक्स सॉरी फिफ्थ है ना यानी कि आपको बी क्वेश्चन कंप्लीट करना है मेरे कहने का मतलब थ्री मैंने करवा दिए और थ्री करने हैं आपको कौन कौन से करना है सेकेंड नंबर मैंने नहीं करवाया नंबर थर्ड मैंने नहीं करवाया नंबर फिफ्थ मैंने नहीं करवाया तो ये आपको करना है इसमें आपको ओनली थर्ड और फोर्थ करना है बाकी आपको नहीं करना है ठीक है बहुत ईजी है काफ़ी ईजी इसलिए मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ ठीक है फिर भी किसी बच्चों को दिक्कत है मुझे बोल देना मैं आपका जो होमवर्क है वो तो अपने ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगा ठीक है आप उसको देख लीजिएगा अपना आंसर भी मेज कर लीजिएगा किसी के अगर रॉन्ग होता है तो आप वहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं ओके तो आज के लिए काफ़ी है कुछ नया सीखा तो आज के लिए वर्क इतना काफ़ी है ठीक है एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वीडियो को लाइक करना आपको चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब भी करना है ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर तब तक के लिए गुड बाय स्टे तो होम एंड कीप लर्निंग बाय बाय